यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं, जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में बहुत मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बनायूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। आज तेरे लिए वक्त का ये सहारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। हर ख्वाब को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। कुछ नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर से सीख। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह दूसरों से ज्यादा नॉलेज है आपको सफल बनाती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मना स्थिति बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका रुख मोड़ देते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, खुद को कम ना समझें। आप जैसे हैं वैसे ही रहो और अपनी मेहनत के दम पर इतने कामयाब हो जाओ कि लोग आपको कॉपी करें। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। इंसान की समझ बस इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। अगर प्यार करने का इतना ही जुनून है तो किताबों से करो, क्योंकि यह लोगों की तरह धोखा नहीं देती। जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है।